नमस्कार, एमबी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशी तिवारी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। दिव्यांगों के साथ सौतेला व्यवहार किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं, डॉक्टर अनिल शर्मा। आपको बता दें, आज किसान सम्मान दिवस के अवसर पर भी आरसी के सामने तिंदवारी में दिव्यांगों द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन ग्राम विकास फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा ने द्वीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल शर्मा ने कहा कि जिम्मेदारों द्वारा दिव्यांगों के साथ घोर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जहां सरकार एक तरफ आवास शौचालय देने का ढूंढ़ोरा पीट रही है, वहीं एक और सबसे कमजोर तबके का दिव्यांगों योजनाओं से वंचित है, जिसे किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के जिलाध्यक्ष रितेश गुप्ता ने कहा कि सरकार दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। आज भी दिव्यांग तमाम सरकारी योजनाओं से वंचित हैं तथा बेरोजगार घूम रहा है। प्रवक्ता संजय गुप्ता ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए एक स्वर में कहा कि अब दिव्यांग ही का जवाब पत्थर से देंगे। बबेरो से तहसील अध्यक्ष ललित वर्मा ने कहा कि कार्य योजना तैयार की गई प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा और सरकार से पूछा जाएगा कि आखिर दिव्यांगों की विभिन्न योजनाओं से क्यों वंचित किया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जाए। इस अवसर पर दिव्यांगों के यूडीआई कार्ड, साइकिल, आवास, शौचालय, प्रशिक्षण, पेंशन आदि योजनाओं पर चर्चा की गई। के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर श्रीराम प्रजापति, सनत कुमार, संजय लखेरा, भगवान दीन फूलचंद्र, धीरेन्द्र सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। हम आवास देंगे, हम शौचालय देंगे, पेंशन बनाएंगे और जो भी हमारे दिव्यांग भाई हैं उनके लिए मोटरसाइकिल वाहन की व्यवस्था करेंगे, नौकरी देंगे, प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जन सेवा केंद्रों में भागीदारी भाएंगे, विभिन्न सरकारी योजनाओं में भागीदारी भाएंगे, साइकिल उपलब्ध कराएंगे, शिक्षा से जुड़े आयुष्मान कार्ड से उनको जुड़ा जाएगा। लेकिन इसके लिए आप सब लोगों को बराबरी से अकेले एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। कहते अधिकार मांगने से नहीं, अधिकार छीनने से मिलता है। आप सभी लोग दूर दराज के गांवों से हैं, आपके गांवों की खुशी में आप देखिए कि हम पात्र हैं और हम इस योजना से आज साबित है कि नहीं। यदि आज साबित नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके लिए आपको जिलाध्यक्ष के माध्यम से, हमारे माध्यम से, देवता जी के माध्यम से इस प्रकरण को आगे बढ़ाना है, हम तक लाना, अधिकारी तक पहुंचाना है। एक सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि जिस तरह से गवर्नमेंट कहती है कि हम दिव्यांगों को नौकरी देंगे, दिव्यांगों की यात्रा होंगे, जिस तरह से गवर्नमेंट के सारी नौकरियां ठेके पर चला दी है, संज्ञापन चला दी है, अब इस समय नौकरियों से बाहर आने वाली नहीं है, बहुत कम मात्रा में नौकरियां मिल रहा है। अब हमें उसमें भी लगाई लग रहा है कि जो भी ठेके के माध्यम से या सेवा प्रदाता के माध्यम से नौकरियां मिलती है उसके लिए हमें आरक्षण चाहिए, उसमें भी आपको भागीदारी चाहिए। दूसरी चीज यह है कि हर गांव में जन सेवा केंद्र स्थापित है, जन सेवा केंद्र के माध्यम से विभिन्न योजनाएं संचालित होती है, कोशिश करना चाहिए। जिन भी दिव्यांगों के पास पेंशन संबंधी समस्या है, यूपीआई कार्ड संबंधी समस्या है, उसके लिए बताएंगे। मैं सभी से चाहूंगा क्योंकि यूआईडी कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ड है। गवर्नमेंट ने जिस तरह से आप लोगों ने लोगों का आधार कार्ड बनाया गया है, उसी तरह से दिव्यांगों का गवर्नमेंट ने यूपीआई कार्ड बनाने का संकल्प लिया है। यूपीआई कार्ड राष्ट्रीय स्तर का कार्ड है, भारत सरकार द्वारा आई कार्ड, इसलिए सभी दिव्यांगजन अपना दिव्यांग प्रमाण पत्र नोट कर लीजिए। अगर उनके पास कोई समस्या जिनका यूपीआई कार्ड नहीं बना है तो
वो आपसे लोन करा के ले लेंगे, कार लेने का आती है, जब भी कोई स्कीम आती है उसमें से हमेशा आगे आ रहा है। सबसे पहला कारण ये है कि आप सब लोग यूपीआई कार्ड बनवाने के लिए अपना एक फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, दिव्यांग सर्टिफिकेट और आय जांच प्रमाण पत्र, इतने कागज और मोबाइल नंबर, इतने कागज लेकर के अपने के पास दे दीजिएगा। उसके लिए देखिए, अगर आप कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं उसके लिए फॉर्म का 50 रुपये फीस लगता है, लेकिन अगर आप क्लास में ठीक है वहाँ भिजवा देते हैं या हमारे पास का कागज आ जाता है, उसके लिए किसी को भी कोई चीज देने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जैसे दिव्यांगों को आवास नहीं मिल रहा है, शौचालय नहीं मिल रहा है, उसके लिए उससे समाधान नहीं होता।